Yes. ये क्या हुई? ये हुई. हो गया. We are so happy. दोस्तों ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमारे और सबके प्यारे धर्मेश्वर चलते शो के बीच में जज की कुर्सी पर बैठ जाएंगे. देखिए जब डांस प्लस प्रो स्टार्ट हुआ तो एक इंटरव्यू के दौरान रेमो सर ने ये पूरी तरीके से साफ कर दिया था कि इस शो में तीन जज होने वाले हैं, नंबर एक शक्ति, दूसरा पुनीत और तीसरे हमारे राहुल शेट्टी भाई. लेकिन जैसे ही शो स्टार्ट हुआ, शो की गिरती टीआरपी ने शो वालों को मजबूर कर दिया कि वो धर्मेश्वर को वापस लेकर आए, क्योंकि भाई शो की टीआरपी मरी हुई थी और शो में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जिसके चलते शो में एंटरटेनमेंट हो पाए. देखिए डांस प्लस प्रो में एंटरटेनमेंट के नाम पर दो ही फैक्टर थे, एक हमारे राघव जोयाल भाई जो कि होस्टिंग के दम पर ही शो को इतना एंटरटेन कर देते थे कि देखने वालों के हंस हंस कर पेट में दर्द हो जाता था, और दूसरे थे हमारे धर्मेश भाई जिनका तो अलग ही चार्म, अलग ही स्वैग था जो कि शो को अपलिफ्ट करता रहता था. और ये दोनों ही नहीं थे शो में, लेकिन अब अचानक से चलते शो में धर्मेश भाई पड़े हैं एज ए कैप्टन, और वो एक चैलेंजर के रूप में आए हैं जो इन तीनों कैप्टन्स को चुनौती देने वाले हैं. और जैसे ही धर्मेश भाई डांस प्लस प्रो में आए तो शक्ति भी चौंक गई कि यार ये धर्मेश यहाँ पर कैसे आ गया, और वो भी आते ही राहुल शेट्टी की कुर्सी पर कैसे बैठ गया. लेकिन भाई सबको पता है वो कि वो कुर्सी किसी और की नहीं बल्कि धर्मेश सर की ही है, और वही उस कुर्सी पर बैठना डिजर्व करते हैं. बाकी दोस्तों धर्मेश सर के आने पर आप कितने खुश हो गए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा.